पहले हम लोग फ्री रहते थे, सर लोग आए, उन्हें हमें बताए, हम जानकारी बताई, हम लोग जुड़े जी। हम एक दो महीने में 15-20 हज़ार की सिलाई कर लेते हैं। मुझे बहुत लाभ मिला है सरकारी सिलाई में। मैं अपनी बच्ची को पढ़ा सकती हूँ, लिखा सकती हूँ, फीस भर सकती हूँ, खुद की दम से हूँ। मेरा नाम कलावती डोडी है और मैं ग्राम बिजली से हूँ। 17-11-15 में हम लोग स्व सहायता समूह से जुड़े। हम लोग समूह में सबसे पहले 12 महिलाओं को जुड़ा। हम लोग गांव में कुछ खाना पीना बनाते थे, कुछ नहीं करते थे। फिर हम लोगों को समूह में जुड़े, हम लोगों को वहां से 15,000 आरएस की राशि मिली। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस राशि का कुछ ऐसा करेंगे जिससे प्रॉफिट हो। तो हम लोगों ने सबसे पहले उसमें से 3 महिलाओं को सिलाई मशीन दी, जो सिल के जानती थी। फिर उसने छोटा छोटी सिलाई करी। फिर हम लोगों ने बंडा गए, बंडा में एक सेंटर देखा, हम लोगों ने सभी महिलाओं ने वहाँ पर सिलाई, 2 माह सिलाई सीखी। फिर हम लोग सिलाई करने लगे। फिर हम लोगों को आजीविका मिशन से जुड़ के हम लोगों को सरकारी स्कूल के आर्डर भी मिलने लगे। फिर हमारे यहाँ पर कम से कम 4 समूह सिलाई का काम करते हैं जिसमें 55 महिलाएँ हैं। हम लोग एक महिला कम से कम 10-15 हज़ार का हर सिलाई आर्डर पर काम कर लेते हैं। और हम लोग कुछ पैसा समूह से लेकर किसानी में लगाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग प्याज खेती, सब्जी उत्पादन सब कुछ करते हैं। और कुछ पैसा भी हम लोग लेकर के कुछ महिलाओं ने पैसा लेके किराना दुकान कर ली, आटा चक्की ले ली, इस यानी कि मनहारी की दुकान भी कर ली। और हर एक महिला की आय कम से कम एक माह में 10,000 से ऊपर है। और हम लोग अब सिलाई में जुड़ करके कम से कम 3 आजीविका के साधन है, जिसमें से कम साल भर में अपनी खुद की आय कम से कम 2-2.5 लाख से ऊपर हो जाती है। और हम लोग लेकर के हम लोगों के पास पहले मकान भी नहीं था, यानी कि छोटा सा मकान था। तो हम लोग उस मकान में हम लोगों को जमीन लगाना पड़ता था, सब लोग आते थे, लोगों ने मकान भी बनाया। आज हमारी सभी महिलाओं के पास मकान भी है, रोजगार का साधन भी है, और सिलाई भी करती हैं और खेती उत्पादन भी करती हैं। सभी महिलाओं की 10,000 से ऊपर माह की आमदनी है। हमारी इनकम हमारे पास 3 आजीविका के साधन, एक सिलाई का काम करते हैं और किराना दुकान भी है और आटा चक्की भी है। और हम लोग कुछ पैसा लेकर के प्याज उत्पादन भी करते हैं, जिससे हमारी कम से कम एक साल में 2.5 लाख से ज़्यादा उत्पादन कर लेते हैं। दूसरी महिलाएं कुछ नहीं करती, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, उनको हम लोग सिखा देंगे, सिलाई करवा ये सिखाएंगे और कुछ उनको नए उत्पादन करवाएंगे। कुछ जैसे गांव में कुछ दुकान रखवाएंगे या प्राइवेट आर्डर दिलवा के, प्राइवेट स्कूलों के आर्डर दिलवा के उनसे कुछ काम करवाएंगे, जिनको सिखा देंगे। ये जो सरकार की योजना है स्व सहायता समूह वाली, लोन देती है, इसको आप कैसे देखती हैं, कितना फायदा होता है उसमें? हम लोग महिलाएं हैं, हमारे यहाँ पर कम से कम 18 समूह हैं। 18 समूह में से हम ग्राम संगठन के अध्यक्ष हैं। तो सभी महिलाओं की, यानी कि हम लोग गुरुवार के दिन बैठक करते हैं समूह की, बैठक करके हम लोग सभी महिलाएं बचत करते हैं और सब महिलाओं की परेशानी भी पूछते हैं, किस चीज़ से क्या किसको परेशानी है, किसको पैसा चाहिए, किसको धंधे के लिए पैसा चाहिए, किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की अपनी वो महिलाएं काम करके अपने बच्चों की फीस भर रही, अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन करा रही हैं। वो अपना अपने घर गृहस्थी अपने स्वयं अपने अपने परिवार के ऊपर भार नहीं है, वो अपना काम स्वयं कर रही हैं। समूह से जुड़ी हैं तो कितना फ़ायदा हुआ इससे? मेरा नाम रानी लोधी है, मैं ग्राम बिजली से हूँ। मुझे बहुत लाभ मिला है सरकारी सिलाई में। मैं खाना बनाती थी और दिन भर बैठी रहती थी। अब जब से सरकारी सिलाई मिला है मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं अपनी बच्ची को पढ़ा सकती हूँ, लिखा सकती हूँ, फीस भर सकती हूँ, खुद की दम पे हूँ। मेरा नाम कृष्णा चढ़ा है, मैं ग्राम बिजली से हूँ। मैं एक काम शुरू किया है, मैं समूह में जुड़ी। पहले हम लोग फ्री रहते थे, अब सर लोग आए, उन्हें हमें बताए, हम जानकारी बताई, हम लोग जुड़े, उन लिया समूह से मशीन ली, फिर हमने सिलाई शुरू की, बस हम काम करने लगे। और ये चाहती हूँ कि गांव की जो फ्री महिलाएं उनको भी कुछ काम मिले जी। हम एक दो महीने में 15-20 हज़ार की सिलाई कर लेते हैं। हम सिलाई करके बच्चों की फीस भरते हैं और घर का खर्च भी, कुछ गहने भी लेते हैं। क्या क्या खरीद लिया अभी? हमने पायल भी खरीद ली, मंगलसूत्र भी खरीद लिया, कुछ पैसे बचा बचा के। बच्चे बंडा में पढ़ रहे हैं स्कूल नेमी गिरी।